वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स इन माय न्यू वीडियो ऑफ केमिस्ट्री विद शशांक। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं जो बहुत ही यूज़फुल होती हैं, उनको कहाँ कहाँ अप्लाई किया जाता है उसको स्टडी करते हैं हम लोग, थोड़ा सा उसके बारे में समझते हैं। सो टुडे आई एम स्टार्टिंग विद द बेकमैन रीअरेंजमेंट। बहुत ही कॉमन, बहुत ही यूज़फुल रिएक्शन है, रीअरेंजमेंट है। जब भी रिएक्शन के आगे रीअरेंजमेंट होता है तो आपको समझ जाना चाहिए उस रिएक्शन में जो कुछ सब्सिट्यूएंट्स हैं वो अपने आप को रीअरेंज करेंगे बेस्ड ऑन दी कंडीशन जो हम प्रोवाइड करते हैं उसके बेसिस पे, एंड वी गेट अ न्यू प्रोडक्ट। इसको अगर हम देखें तो हमारे एक जर्मन केमिस्ट थे, अंस ऑटो बेकमैन। ही वॉज अ जर्मन केमिस्ट, ही डिवाइज दिस रिएक्शन, ही गेव दिस रिएक्शन इन 1986 में एक रिएक्शन दिया था। ये क्या है, अगर मैं इसको समझूँ तो दिस इज़ ए एसिड इंड्यूस्ड, एसिड की प्रेजेंस में एक रिएक्शन कर रहे हैं जिसमें हम लोग, ये हमारा क्या कंपाउंड कहलाता है, ये कंपाउंड कहलाता है ऑक्साइम्स बोलते हैं या फिर एल्डोक्सिम्स या कीटोक्सिम्स बोला जाता है इनको। इसको क्या होता है, कैसे होता है, अभी मैं समझाता हूँ उसको। जो हमारे ऑक्साइम्स होते हैं, ऑक्सिम्स होते हैं, वो एसिड के प्रेजेंस में दे गेट कन्वर्टेड टू अमाइड्स। तो ये सी ओ एन एच को अमाइड ग्रुप बोलते हैं। तो ये हमारे एल्डोक्सिम्स हमारे किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, अमाइड्स में, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो बेसिक रिएक्शन ये है। तो आपको इसमें स्टार्टिंग मटेरियल पता होना चाहिए, आपका फाइनल प्रोडक्ट पता होना चाहिए। तो स्टार्टिंग प्रोडक्ट हमारा क्या है, ऑक्साइम है जो किस में कन्वर्ट हो रहा है, हमारे अमाइड में, इन प्रेजेंस ऑफ एच प्लस। एच प्लस के अलावा और भी हमारे पी सी एल फाइव और भी बहुत कुछ यूज़ कर सकते हैं, वी कैन फॉर्म, जो ये एल्डोक्सिम को हमारे अमाइड्स में कन्वर्ट करता है। अब ये हमारा रिएक्शन है रीअरेंजमेंट का, ठीक है, कि रीअरेंज हो गया हमारा, ठीक है। आप देखोगे ग्रुप्स वही हैं, कुछ शफलिंग होके वो चेंजेस हो गए हैं हमारे। हमारा पहले R1 R2 दोनों C के पास थे, अब हमारा R1 C के पास है और R2 N के पास चला गया, बस इतना रीअरेंजमेंट हुआ है। तो दिस इज ऑक्सिम टू अमाइड कन्वर्जन विच इज़ नोन एज बेकमैन रीअरेंजमेंट, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ है एल्डोक्सिम और कीटोक्सिम, ये क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं। तो इसके लिए मैंने नीचे एक रिएक्शन दी हुई है, एक मैकेनिज्म समझाया है कि हमारा एल्डोक्सिम और कीटोक्सिम कैसे बनता है। जनरली हमारे पास दो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, एल्डिहाइड होता है या कीटोन होता है। एल्डिहाइड और कीटोन का बेसिक डिफरेंस आपको पता होगा कि अगर हमारा एक तरफ H होता है और एक तरफ एल्काइल ग्रुप होता है उसको एल्डिहाइड बोलते हैं, और अगर दोनों तरफ ही हमारे एल्काइल ग्रुप होते हैं उसको हम लोग कीटोन बोलते हैं। तो दीज आर कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड और कीटोन, इनसे हम लोग क्या बना रहे हैं, इनके रिस्पेक्टिव एल्डोक्सिम या कीटोक्सिम। जब एल्डिहाइड से कोई ऑक्साइम बनाएंगे तो उसको एल्डोक्सिम बोलते हैं, जब कीटोन से बनाएंगे इसको कीटोक्सिम बोलते हैं। अब क्या हो रहा है, इसमें जो हमारा एक सिंपल सा ये एल्डिहाइड या कीटोन का मैंने जनरलाइज स्ट्रक्चर R1 R2 के फॉर्म में दिया हुआ है, वी आर ट्रीटिंग इट विद हाइड्रोक्सिलामीन। ये एक हाइड्रोक्सिलामीन एक एजेंट होता है NH2OH, हाइड्रोक्सिलामीन से करेंगे। तो हाइड्रोक्सिलामीन के पास, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर, दे विल अटैक बाय एट इलेक्ट्रोफाइल। कार्बोनाइल कार्बन का, कार्बन हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल का बेस्ट एग्जांपल बनता है। सो ये हमारे यहाँ पे रिएक्ट करते हैं और ये डबल बॉन्ड हमारा शिफ्ट कर जाता है ऑक्सीजन के ऊपर। सो वी गेट सम पिक्चर लाइक दिस, जहाँ पे हमारे कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर गया, ये नाइट्रोजन माइनस के फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में आ गया, और नाइट्रोजन के लोन पेयर इसने डोनेट कर दिए हैं बॉन्ड बनाने में, दैट्स वाई देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज हियर। तो इस तरीके से हमारा एक जनरलाइज्ड फिगर बनता है। अब ये क्या करेगा, अपने आपको रीअरेंज करने की कोशिश करेगा, बिकॉज ये एक न्यूक्लियोफाइल है जो अपने प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, एंड एक नाइट्रोजन के प्रोटॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, और नाइट्रोजन का एक बॉन्ड फ्री होने से यहाँ का नेगेटिव चार्ज चला जाएगा। सो नेगेटिव चार्ज भी रिप्लेस हो गया और आपका ऑक्सीजन के जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स थे वो भी आपके सेटिस्फाई हो गए OH के साथ नए बॉन्ड बनाने से। अब हमारा ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके बाद फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो एक और हाइड्रोजन उसको प्रोटॉन दिखाई पड़ रहा है, इट विल अटैक अगेन एट अनदर प्रोटॉन, उसको अपनी तरफ अटैक करेगा, बट इससे इसके ऑक्सीजन के लोन पेयर अपने सेक्रीफाइस हो जाते हैं, देयर फोर इट कन्वर्ट गेट्स टू अ पॉजिटिव चार्ज ही है। अब ये OH है, ये OH2+ है, इन दोनों में ये बेटर लीविंग ग्रुप है। अगर हमें OH को लीव कराना है तो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट, तो हम लोग क्या करते हैं, OH को हम लोग OH2+ में कन्वर्ट करते हैं, एंड देन इट कैन ईजिली बी डिटैच फ्रॉम दिस ग्रुप। अगर उसको रिमूव करना है, लीव कराना है, देन वी नीड टू कन्वर्ट इट, कन्वर्ट करने में ईजी हो जाता है। अब क्या होगा, ये इसको ले लेगा,
तो यहाँ पर हमारे नाइट्रोजन के पास एक एक्सेस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं, तो वो इधर शिफ्ट कर जाएंगे और ये इजीली क्लीव ऑफ कर जाएगा, लीव कर जाएगा, एंड फाइनली वी गेट अ स्ट्रक्चर लाइक दिस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्साइम बोलते हैं। सो ये तो एक जर्नी है एल्डिहाइड से या कीटोन से कोई ऑक्सिम बनाने की। हाउ दिस हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिलामिन, हाइड्रोक्लोराइड के फॉर्म में होती है, प्रेजेंस में होती है, एंड वी गेट ऑक्सिम। अब ये ऑक्सिम से अमाइड कैसे बन रहा है उसको भी फटाफट उसके मैकेनिज्म से समझ लेते हैं कि बैकमैन रीअरेंजमेंट का मैकेनिज्म क्या होता है, उसके बाद इसकी यूजफुलनेस को भी देखते हैं। नाउ लेट अस सी द मैकेनिज्म, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे होता है। तो सबसे पहली चीज़ है ये हमारा ऑक्साइम है जो हमने अभी बनाना सीखा था। ऑक्साइम है R1 R2 के फॉर्म में और C डबल बॉन्ड N और OH, ठीक है। हमने क्या बोला था पहले स्टेप में क्या होता है, आपका एसिड ग्रुप जो होता है आपका, वो आपका अटैक करता है, ठीक है। तो आपका एसिड ग्रुप्स होते हैं, तो जिसके पास H प्लस होता है तो हमारा H प्लस हो रहा है हमारा, ठीक है। तो H प्लस हमारा क्या है, एक ये इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है, वी हैव अ डबल बॉन्ड एट ऑक्सीजन, वो सीधे रिएक्ट करेंगे देखेंगे, एंड दे अटैक एंड दे एब्स्ट्रैक्ट दिस प्रोटॉन का पेयर, प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के बाद दे कन्वर्ट टू OH2। इसको हम लोग ईजी वे में बोला जाए कि हमारा OH है वो हमारा गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होने जा रहा है हमारे OH2 के फॉर्म में। तो हमारा OH इज़ कन्वर्टिंग टू OH2। अब ये हो गया हमारा H प्लस आयन के प्रेजेंस में, अब ये बन गया हमारा। इसके बाद क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, ये वाला जो मेन स्टेप होता है यहाँ पर रीअरेंजमेंट वाला, तो दिस इज़ द रीअरेंजमेंट ऑफ द एल्काइल ग्रुप। हमारा एल्काइल ग्रुप है वो रीअरेंज होकर अपने आप को नाइट्रोजन पे अटैक कराएगा, रीअरेंज करेगा, एंड दिस OH2 लीव्स एज ए वाटर, वाटर की तरह लीव कर जाएगा, एंड वी गेट अ स्ट्रक्चर लाइक दिस। हमें या तो इस फॉर्म में स्ट्रक्चर मिलेगा या हमें इसका सेकेंड टॉटोमर मिलेगा, वो हमारा इस फॉर्म में होगा, ठीक है। तो इनको बोलते हैं नाइट्रीलियम आयन, हम लोग बोलते हैं दीज आर नोन एज नाइट्रीलियम आयन, एंड दीज नाइट्रीलियम आयन नाउ अगेन द रिलीज वाटर मॉलिक्यूल वॉज देयर, वो अटैक करता है हमारे कार्बन पर क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी है, एंड देन इट फॉर्म्स ए बॉन्ड लाइक दिस। अब हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को जब डोनेट करके एक बॉन्ड बनाएगा तो वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज हियर, तो वो पॉजिटिव चार्ज रिलीज करने की एक H प्लस विल लीव टू मेक इट अ स्टेबल मॉलिक्यूल। अब OH के फॉर्म में बनाता है, H माइनस रिलीज हो जाता है। अब OH में से भी ये बॉन्ड एक क्लीव करके डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, रिटेन बैक करता है, एंड वी द डबल बॉन्ड ही इज हियर इज बॉन्डेड टू अनदर H प्लस आयन, और फिर हम लोग को ये रीअरेंजमेंट के बाद हमें ये अमाइड मिल जाता है। तो इट इज़ अ कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइम, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, एक एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन है। एसिड कैटेलाइज की वजह से आपका OH आपका गुड लिविंग ग्रुप OH2 पे कन्वर्ट होता है विच लीव्स एज ए वाटर, और फिर ये आपका नाइट्रीलियम आयन जो बनता है एल्काइल ग्रुप का माइग्रेशन होता है, एंड वी गेट अ नाइट्रीलियम आयन जिसके दो टॉटोमर्स हैं, और उसके बाद अटैक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एट द कार्बन, एंड देन रीअरेंजमेंट एंड रीस्टेबलाइजेशन रिलीजिंग हाइड्रोजन फ्रॉम इट विल जनरेट अ कार्बोनाइल ग्रुप, और कार्बोनाइल के साथ एक अमाइड ग्रुप, हमारे कार्बोनाइल के बगल में NH, दैट इज नोन एज CONH, दैट इज नोन एज अमाइड ग्रुप। तो ये रीअरेंजमेंट हो जाता है, तो वी गेट अ ऑक्साइम से हमारा अमाइड बन जाता है। तो वेरी बेसिक, वेरी सिंपल, वेरी ईजी टू फॉर्म रिएक्शन, कंडीशंस भी ज़्यादा हार्श नहीं होती। वी हैव स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 वगैरह यूज़ करते बट नाउ कन्वेंशनल वे में, बट नाउ वी हैव गॉट PCl5SOCl2 विच इज़ अ बिट हार्श, बट द रिएक्शन कंडीशंस आर ईजी टू यूज़, और आप इजिली इनको वर्कअप करके वी कैन गेट दिस अमाइड्स। अब इसको हम लोग कहाँ पर यूज़ करते हैं, इनका एक एप्लीकेशन समझ लेते हैं। वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स हैं, एक वह कैप्रोलैक्टम होता है उसको बनाने में यूज़ करते हैं। कैप्रोलैक्टम इज़ द पॉलीमर फॉर नाइलॉन, मोनोमर फॉर नाइलॉन 6। कैप्रोलैक्टम जब बनाते हैं, कैप्रोलैक्टम हम लोग साइक्लोहेक्सेनोन से बनाते हैं, जब साइक्लोहेक्सेनोन से कैप्रोलैक्टम बनता है दैट इन्वॉल्व दिस बैकमैन रीअरेंजमेंट, या फिर आजकल इंडस्ट्रियल वे है आपका फिनॉल से अगर हमें वो बनाना है पैरासिटामोल बनाना है वाया ये ऑक्साइम फॉर्मेशन के, कि हम लोग उसको फिनॉल को वी ट्रीट विद एसिटिक एनहाइड्रेट एंड देन वी गेट आपका जो भी एसिटिक एनहाइड्रेट एसिटॉक्सी डेरिवेटिव वाला आपका फिनॉल मिलता है, एंड देन उसको बैकमैन रीअरेंजमेंट करके एनिलीन के साथ रिएक्ट करके एंड वैन देन वी गेट दिस फिनॉल ग्रुप, तो वो हम लोग का पैरासिटामोल मिल जाता है। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा फटाफट से देख लेते हैं। स्टूडेंट्स नाउ लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल्स जो हमारी एप्लीकेशंस होती हैं बैकमैन रिएजेंट की,
रीअरेंजमेंट की कि कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, फार्मा इंडस्ट्री में या फिर केमिकल इंडस्ट्री में कहाँ पे हम इनको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल इसका बनता है कि ये क्या है हमारा, साइक्लोहेक्सिनोन है। साइक्लोहेक्सिनोन से व्हाट वी आर मेकिंग, वी आर मेकिंग कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम में क्लोज बीटा क्लोज लैक्टम रिंग होती है, इसको कैप्रोलैक्टम बोलते हैं। सो वी आर फॉर्मिंग साइक्लोहेक्सिनोन से कैप्रोलैक्टम बना रहे हैं। ये मोनोमर होता है नायलॉन सिक्स के लिए, नायलॉन सिक्स जो बनाया जाता है उसका ये मोनोमर है। तो दिस इज़ वेरी यूजफुल कंपाउंड, कैप्रोलैक्टम इज़ वेरी यूजफुल। सो विच दिस इज़ मेड विद द हेल्प ऑफ बेकमन रीअरेंजमेंट। सो वन ऑफ द क्लासिक एग्जाम्पल कि आपकी एप्लीकेशन बेकमन रीअरेंजमेंट की कहाँ यूज़ हो रही है। सेकेंड हमारा है, ये हमारा क्या है, फिनॉल है। फिनॉल से ये क्या है, पैरासीटामोल। पीसीएम बनाने का ये एक ऑल्टरनेट वे है और आजकल इसको लोग बहुत यूज़ कर रहे हैं। इनिशियली पैरासीटामोल को जो बनाया जाता है वो डिफरेंट रूट से बनाया जाता है, वाया नाइट्रेशन, जो कि बहुत ही टीडियस या फिर बहुत ही हार्श कंडीशंस होती हैं, एंड देन वी मेक पैरासीटामोल। यहाँ पर हम लोग इसको वाया बेकमन बना रहे हैं, बेकमन रीअरेंजमेंट के थ्रू वी आर मेकिंग फिनॉल बनाते हैं। फिनॉल का हम लोग एसिटाइल ग्रुप लगाते हैं, एसिटाइलेशन करते हैं एंड फॉलोड बाय हाइड्रोक्सीलेशन, हाइड्रोक्सीलामीन अटैच करते हैं एंड देन फाइनली वो रीअरेंज करता है बेकमन रीअरेंजमेंट एंड फाइनली वी गेट पैरासीटामोल। सो दिस इज ऑल्टरनेट वे एंड वेरी यूजफुल वे टू मेक फिनॉल फ्रॉम यूजिंग वाया बेकमन रीअरेंजमेंट, ठीक है। और कंडीशन हमारी थोड़ी सेफर रहती हैं। सो दीज आर लाइक वेरी बेसिक एप्लीकेशंस आपकी जो बेकमन रीअरेंजमेंट की होती है। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे आप बेकमन रीअरेंजमेंट को यूज़ करते हैं, सो यू कैन गो थ्रू देम एज वेल। बट फॉर नाउ आई थिंक दिस मच इज़ मोर देन सफिशियंट कि अगर आपको कोई आंसर बेकमन रीअरेंजमेंट या उसको समझना है कैसे होता है, सिंपल सा ऑक्साइम से अमाइड कैसे, एल्डिहाइड से ऑक्साइम, ऑक्साइम से अमाइड्स कैसे बनाना है, बेस्ट रूट है आपका बेकमन रीअरेंजमेंट का। तो आई होप इस वीडियो में आपको ये बेकमन रीअरेंजमेंट की यूजफुलनेस, इसका मैकेनिज्म, इसका रिएक्शन और भी जो जो चीज़ें डिस्कस करें हमने, इसके रिएजेंट्स इजीली समझ में आ गए होंगे। एंड आपको अगर बेकमन रीअरेंजमेंट से रिलेटेड कुछ भी कभी सिंथेसिस में पार्ट में हेल्प करती कुछ चाहिए, इनपुट चाहिए, तो यू कैन गो एंड थ्रू एंड वॉच थ्रू दिस वीडियो। आपको उसके सिंपल जो बिट्स होते हैं, कभी कभी क्या करते हैं हम लोग रिएक्शंस लगा रहे होते हैं हाई लेवल पे, बट वी डोंट नो द मैकेनिज्म हाउ द रिएक्शन इज गोइंग। तो उसके लिए हम लोग को जो रिएजेंट्स यूज़ होते हैं उनका हम लोग को बेसिक प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं समझ में आता, व्हाट शुड बी एडेड एट व्हाट टाइम और कौन सी कंडीशन। तो मैकेनिज्म हेल्प यू टू नो कि किस टाइम पे क्या ऐड करना है। तो दिस विल बी हेल्पफुल टू दोज पीपल एज वेल। और साथ साथ अगर आप बेसिक्स हैं, आप बी फार्म पढ़ रहे हैं तो बी फार्म के फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस में ये रिएक्शन आती है। अगर आप बी एस सी में हैं तो बी एस सी में भी ये रिएक्शन पूछी जाती है, एम एस सी में पूछी जाती है। सो वेरी यूजफुल रिएक्शन, सो यू कैन गो थ्रू एंड वॉच इट एंड अंडरस्टैंड इट ईजिली। और मुझे लगता है आई होप कि आपको ये सब ईजिली समझ में आ भी गया होगा। सो लाइक दिस आई विल बी मेकिंग मोर ऑन नेम रिएक्शन, जो यूजफुल नेम रिएक्शंस हैं जिनकी एप्लीकेशन बहुत सारी हैं। आई विल बी मेकिंग वीडियोज उन एक्सप्लेनिंग अबाउट हाउ देयर मैकेनिज्म गो अबाउट, कैसे उनके मैकेनिज्म्स होते हैं, एंड वी कैन स्टडी एंड इन द अपकमिंग वीडियोज रिगार्डिंग दोज रिएक्शंस। सो टिल देन आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई रिएक्शंस हैं जिनके मैकेनिज्म समझने हैं या कुछ है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में, मैं उन पर वीडियोस बना दूंगा। अदरवाइज मैं जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं नेम रिएक्शन उन पर वीडियोस बनाऊंगा। सो फॉर नाउ आई विल एंड दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड टिल देन टेक केयर, थैंक यू।